तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिमल उमराव। आज आप लोगों को एक बकरी दिखाने वाला हूँ जिसने हाल ही में दो बच्चे दिए हैं और ये किसान की बकरी है। देखो, बच्चा देने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ी सी अरहर की दाल खिलाई है। जैसा इसमें देख सकते हैं, तसले में कुछ लगी हुई है। तो अरहर की दाल क्यों खिलाते हैं, ताकि बकरी आसानी से जेर डाल दे। थोड़ा गर्म तासीर की होती है अरहर की दाल, तो जब भी बकरी बच्चा देगी आपको थोड़ा सा मेथी दाना और अरहर की दाल जो है खिला देनी है, ताकि बकरी को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, गर्मी आ जाए और वो जेर डाल दे। तो जैसा पीछे देख रहे हैं, बकरी की अभी जेर जो है लटक रही है। एक मेमना बकरी के पास बैठा है और बकरी उसको चाट रही है। तो आपको हमेशा क्या करना है, बकरी को मेमने को चाटने देना है। एक देखिए, दूसरा मेमना इधर बैठा हुआ है और ये देसी बकरी है। अभी इसको देखो, सर्दी कुछ महसूस हो रही है, चूँकि अभी जिसे हम बच्चा दिया है तो सर्दियों का मौसम चल रहा है। पास में आप देख सकते हैं ये बांस का पेड़ है। ये देखिए, इन्होंने क्या किया है, बांस के कुछ पत्ते तोड़े हैं। ये देखिए, तो बांस के पत्ते यदि आप गांव घर में रहते हैं तो बकरी को जेर गिराने के लिए बांस के पत्ते भी खिला सकते हैं। देखिए, काफ़ी समझदार हैं और गांव में इस तरह से अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग देसी तरीकों से ही बकरियों की जेर वगैरह गिरा देते हैं। और वीडियो बनाऊँ बकेवर चला जाएगा, पानी वगैरह इस बकेवर देते हैं। कई बकरियां खाती हैं, कई नहीं खाती हैं। और ये कोई भी दवा वगैरह का यूज नहीं करते, बना लीजिए, मार्केट में दवाएं आती हैं। लेकिन यदि बकरी जेर नहीं डाल रही है, आपने अरहर की दाल भी दे दिया, मेथी दाना भी दे दिया, बांस का पत्ता भी खिला दिया, सारा चीज देसी तरीका करने के बाद भी नहीं डाल रही, तो फिर आपको दवाएं यूज करनी। थोड़ा पहले थोड़ा फोर ही देखिए, मेमने को दूध पिलाने में हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको भी करना। देखिए, एक चीज इन्होंने जो है बाहर निकाल दी है, ताकि जो है दूध आसानी से मेमना चूस सके। और इन्होंने पकड़ के उसको पिलाने की कोशिश कर रहे हैं और मेमना जो है दूध पीने लगा है। तो बच्चा देने के बाद आपको ये करना होता है कि बकरी जेर डाले या ना डाले, आपको दूध जो है 15-20 मिनट बाद मेमने को पिला देना है, ताकि उसको अंदर से एनर्जी मिल जाए। आपका मेमना जो सर्दी में सिकुड़ रहा है, जो कांप रहा है, वो कांपना बंद कर देगा, क्योंकि दूध जब वो पिएगा तो गर्म गर्म सा दूध उसके शरीर में अंदर जाएगा, और ये जो गाढ़ा पीला दूध होता है ये बहुत ही फायदेमंद होता है। देखिए, इन्होंने मेथी दाना डाला है, शायद गुड़ भी डाला है। तो इस तरह से पहले अरहर की दाल खिलाई इन्होंने, अब क्या दिया है, मेथी दाना दिया है और गुड़ भी दिया है। तो इस तरह से यदि समझदारी पूर्वक आप काम करते हैं तो आपके मेमने भी बच जाएंगे, बकरी भी स्वस्थ रहती है। तो ये गांव घर में लोग यूज करते हैं तरीके और बहुत ही बेटर रहते हैं। ये दिखा रहा है, देखिए गुड़ क्यों खिलाया गया है, ताकि थोड़ा सा गुड़ जो है गर्म करेगा। और बाई दबे यदि मेमना दूध नहीं पीता, कई बार ऐसा होता है मेमना दूध नहीं पीता, तो उसके तालू में आप थोड़ा सा गुड़ चिपका देंगे तो दूध पीने लगता है। अच्छा, और एक मेमने को दूध पिला रहे हैं, अभी दूसरे को पिलाएंगे। बाबा, इस तरह से बहुत सारे भाइयों की क्वेरी रहती है, विमल भाई बकरी के बच्चा देने के बाद हमको क्या करना है। आज की वीडियो मैंने सारी प्रोसेस आप लोगों को बता दी है, कैसे क्या करना है जेर गिराने के लिए, दे सकते हैं। प्लस मेमनों को दूध पिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे हेल्प करनी है, वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी बकरियाँ जो है रहती हैं, लोग ये चराई के बकरियों को रखते हैं, और जो भी ये बच्चा चाचा लगा जाता है, काफ़ी अनुभवी हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता रहता है। इसी तरीकों पर डिपेंड हैं और सफलतापूर्वक काम करते हैं। तो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर 4000 के बच्चा ना कर सकते हैं, रकम निकाल लेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। चल बाय बाय।